जी नहीं, श्राद्ध आज से नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, कौन से यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हैं, कहाँ से आपको आधी अधूरी जानकारी लोग देते हैं। आज से पितृपक्ष नहीं है, भारत में कोई भी ग्रहण 18 तारीख को नहीं है। ग्रहण चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा का होना ज़रूरी है ना, और ग्रहण ही सुबह 6:15 से शुरू हो रहा है, तो उसका सूतक पातक या कोई भी नियम भारत पर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना है और चंद्रमा एक है, इसका असर आपके और मेरे जीवन पर होगा, महिलाओं पर होगा, मन टूटेगा, रिलेशंस खराब होंगे, मौसम अप डाउन होगा, मौसम की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होगी, बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी परेशानियां, भूकंप का आना, किसी बड़े पद पर बैठी हुई महिला का इस दुनिया को छोड़कर चला जाना, या महिलाओं से जुड़े हुए नए कानूनों का बनना, या महिलाओं के साथ कुछ और ऐसी बात सामने आना, या बल्क में बहुत सारे लोगों का मर जाना, या धार्मिक घटनाएँ होना, यानी कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर गए, एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा होना, आतंकवादी हमलों का होना, सबसे बड़ी बात मन दुखी और परेशान होना, अचानक से नौकरियों का चले जाना, शेयर मार्केट का निश्चित ही गिरना, ये सब कुछ होगा। और जिन जिन देशों में ये ग्रहण हो रहा है वहाँ तो सत्ता परिवर्तन भी होगा, राजनीतिक उथल पुथल भी होगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना भारत और भारत के अन्य देशों में, भारत के आस पड़ोस के देशों में युद्ध जैसी स्थितियों के भी कारण दिखाई दे रहे हैं। नेता और अभिनेताओं को लेकर विवाद और कई बैड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रहण है तो उसका असर अगले 6 महीने तक ज़बरदस्त रहेगा।